Good afternoon, all of you. Today, I will teach you lesson 1. Day by day, I float my paper boats. Look here, what is this? This is a paper boat. आज हम आप लोगों को एक ऐसी poem पढ़ाने जा रहे हैं जो boat किसकी बनी है? Paper की बनी हुई है. और ये कब यूज किया जाता है? रेनी सीजन में यूज किया जाता है. डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट. इसमें एक छोटा सा बच्चा है जो क्या करता है, एक एक दिन करके रोज़ पेपर की बोट बनाता है और उसको वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, एक एक करके पानी की धारा में उसको छोड़ता है. इन बिग ब्लॉक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम, और उस पेपर बोर्ड पर अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है. एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और अपने गांव का नाम उस पर लिखता है जिस गांव में वो रहता है. आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, और वह होप मीन्स आशा करना, वह आशा करता है कि उसकी नाव किसी ऐसे जगह पर पहुँचेगी जहाँ उसको कोई ना जानता हो. विल फाइंड देम, जब उसको पाएगा उसकी पेपर की बोट को. एंड नो हु आई एम, और तब वह जानेगा कि वह कौन है और कहाँ रहता है. आई लोड माई लिटिल पेपर बोट्स विद स्यूली, और वह अपनी पेपर की बोट पर, पेपर की नाव पर सुंदर सुंदर फूलों को रखा है. फ्लावर्स फ्राम आवर गार्डन, उसके बगीचे के जो सबसे सुंदर फूल थे और उसको वो उस पर रखता है. एंड होप, और आशा करता है दैट दिस ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल, और वो अपने दोस्त के लिए जो उस पेपर की बोट को पाएगा उसके लिए वो गिफ्ट भेजता है. बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट, रात में जब सुरक्षित उसकी पेपर बोट वहाँ पहुँचेगी तो वो अपने दोस्त के लिए सुंदर सुंदर फूल उस नाव पर भेजा हुआ है. ये पोएम किसकी है बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर. रविन्द्रनाथ टैगोर को आप लोग जानते हैं कौन थे? हमारा नेशनल एंथम कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर. जय गुरुदेव.